असलामुअलैकुम भाई जान, सोने भरावां दा की हाल चाल है जनाब? आ गए, हाजिर हो गए हम बहुत डेरे से, हाजिर हो गए चले हम सुल्तान पॉइंट, तेल पानी चेक कर रहे हैं। माशाल्लाह बहुत प्लान है, आज बुफट स्टार्ट हो रहा साढ़े मुल्तान पैशन फूड से, अजो की जोर जोर शोर नाराज तैयारियां ने, तो इन शाला अज ओपन करा के कम शम फाइनल करा के फिर असी लाहौर रमू करना है। इंजन मेला ही यार, अच्छा इतने मार यार लाई फुल 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 कितने होंगे मेरा यार, फुल कूलेंट मुगलैलपुर है लाहौर कराची चल के आई है, नहीं सॉरी इस्लामाबाद, इस्लामाबाद चल के आई है लाहौर चल के आई है पूरा है। लोग कहने ने जी जो ट्रेन टर्बो गड्डिया ने ना ये हर 100 किलोमीटर से 1 लीटर मुगलैल खादिया ने, गलत गल, साड़ी ने रिक्शा टांक नहीं खाधी। यहाँ स्टार्ट हो जाना है, जो पिछले 3-4 दिनों में आपने देखे हमने प्रेपरेशन की है, उसकी तैयारी की है, अल्लाह से उम्मीद है इंशाल्लाह कि बेहतर होकर जो है स्टार्ट होगा और चलेगा। एक और काम यहाँ पे स्टार्ट करवाना है, यानी जो जो चीज़ें लाहौर में है वो सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे ला के करनी है। मेरी ख्वाहिश ये है कि ये रेस्टोरेंट मुल्तान वाला ये लाहौर जितना चले या लाहौर से भी ज़्यादा चले, तो ये मेरी सोच है। बाकी बस अभी निकला हूँ, मुल्तान में होता हूँ तो अक्सर ना यहाँ से एक बीफ पुलाव है वो मैं खाता हूँ, अक्सर डेली खाता हूँ सुबह के टाइम ना। तो रमज़ान नाश्ता किया हुआ आपने? किया भी है तो कर भी लवेंगे सर जी, बीफ पुलाव तो सर जी सू बड़ा पसंद है, तो दोबारा भी अभी कर लाँगे सर। नहीं सुबह क्या खाया आपने नाश्ते में? सर जी परौठे खाधे थे, दही नाल चाह पीती। यानी बेगम ने दिए ये पैसा दे के 1.5-2 लाख रुपए पराठे खा के, हम पे 5-7 साल लगाता, हम तुझे दुआएं भी देते प्यार भी देते। हाँ जी सर जी, तो ट्रीट दे देना आज, तुसी जो कहते हो ना तो बीफ पुलाव खा देना सर। अब ये बीफ पुलाव क्यों कह रहा है? बीफ पुलाव इसलिए कह रहा है कि वो बीफ पुलाव वाले मेरे से पैसे नहीं लेते, वो मेरे दोस्त हैं, छोटा सा उनका है सेटअप, मैं बड़ी कोशिश करता हूँ कि उनको पैसे दूँ, लेकिन सेटअप छोटा है, दिल बहुत बड़े हैं, मैं बहुत रिक्वेस्ट करता हूँ उनको लेकिन वो मानते नहीं हैं। लेकिन ये होता है फिर वो मेरे पास आते हैं मेरे रेस्टोरेंट पे, तो मैंने उनकी पूरी फैमिली के लिए खाना जो है इसी तरह से फ्री किया हुआ है। उसने हामी भरी है ना कि मैं बीफ पुलाव के पैसे देता हूँ, इसीलिए भरी है कि उसने पैसे लेने नहीं थे। फुल गरम फुल मजेदार, चम्मच नहीं धुले हुए, थाला थोले ने थाला, दो चमचे उसको मरवा के साथ ही रोए। आ गया तेरी प्लेट, आ गया ना कर, तू मैं बॉडीया चोट चोट के खा गया हल्ला बट्टे वास्ते थोड़ा कर ले, तो आज ये दिन ले ले गया अपन। ए ना करो यार, सिखाने दो ते साल, एक थोड़ी दे टावल ले ले, ते मेरे नली दे नली खाती कि ने सरक मार के खा। बिल की मैं उनको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, रमजान अगर बिल मांगा ना। हाँ जी सर। फिर बिल तू नहीं देना इंशाल्लाह। दे देंगे सर जी, ये कड़ी गल है, आज बंदे ज्यादा हैं, बिल ले लो। कोई हाज साहब कह रहे जितनी मर्जी गाड़ियां, कोई पैसे नहीं है। ये हमने नाश्ता किया है, तो भाई हमसे कोई डाइटिंग शाइटिंग ये नहीं होती कि ये ना खाओ और वो खाओ और जो है एग वाइट खा लो, और ये चीज़ें मेरे से शुरू से लेके अभी तक ना होती हैं। हम लोग तो खाना खाते हैं एक्सट्रीम तक, मतलब बेहोशी तक खाना खाते हैं, जितना हो सकता है उतना खाते हैं। अल्लाह ताला की नेमत है, अल्लाह ने दी है, अल्लाह ने मुयस्सर की है, खाना पीना चाहिए बंदे को। वो डाइटिंग कर कर के
मैंने ऐसे ऐसे लोग देखे हैं सुबह से लेके रात तक, इतनी कम डाइट, हद से ज़्यादा कम डाइट, तो ये चीज़ मैं तो पसंद ही नहीं करता। मैं कहता हूँ जो अल्लाह ने दिया है वो खाओ, उसके बाद रूटीन के बंदा काम करता रहे। कोई जिम शिम कुछ भी नहीं मैं करता, कोई जिम नहीं, कोई रनिंग नहीं, ना मेरे पास टाइम है किसी चीज़ का। और ये भी माशाल्लाह अंत कर देते हैं। असि तो सर जी हम चौथी दफा नाश्ता कर लिया। तो देसी बंदे वर जेड़ी शे आवे छिकी आओ के अल्लाह ने मुजस्सर किया है, ते आप ता दे हुंदे हो सर शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने दिया है, ते खाओ जे अपनी या पराई छे को जे सर अपनी पराई वाली मैंने बात में नहीं बोली, अपनी हाल अल्लाह दी भी खावे तो कोई गल ही नहीं सर। दोस्त होंदे ना सर, वो नहीं खांदा, निक्का बच्चा छोटा हो नहीं खा सकदा, ते चलो असा हेल्प करवा दे सर। उस दिन यार वो देसी कढ़ाई का मजा नहीं आया था, वो देसी मुर्गे वाली। वैसे तो वो देसी मुर्गा भी नहीं था, ये कि वो मिस्री था। अगर वही देसी मुर्गा होता ना, या हम अपना साथ ले जाते देसी मुर्गा, या रहना से ऐसे करेंगे देसी मुर्गा ले जाएंगे। बैठा रहना सारा है जेड़ा दोबारा दोबारा देसी मुर्गा ते ये मुर्गा ते ये सार नो मुर्गे लड़ाने का शौक है। पहले सार मुर्गे लड़ांदा आई वो जेड़ा हर वनिया वो को के सार खांदा आई। तैयारियां करा रहे कर रहे बच्चे कठे करके बूटे को दे रहे यार, इस तरह का ना पेज ले जाओ। बिलाल बिलाल को बुलाना, बिलाल को पहचान। यह शुरू हो गया जनाब फुफड़, अफगानी राइस, चकली कबाब, बरीता, चर्सी टिक्का, मसाला रोश, मटन कीमा, सलमानी कढ़ाई, शनवारी कढ़ाई। जनाब अज तो शुरू हो गई, सारे भरावान दस दें कि इतने तुम डेली आओ और बुफट शुरू हो गया मुल्तान है चटन फूड से, आओ तो जान बनाओ। बबर शेर खान ने ताज़ा फ्रैश माल है, दुम्बे बकरे जनाब इतने शुरू कर लेने साढ़े बॉस ने, बड़िया सहूलत ने, थले भी सहूलत ने, उत्तर छत भी सहूलत ने, फैमिली का अलग सिस्टम कर दिता है। इतने भी जनाब बुफट शुरू है, हर पास की सहूलत ने ताकि रश ना पवे, बंदे आसानी नाल इतने जनाब खा सकन। उ चीज़ा ने इतने भी सारिया छोटा
एंड रिव्यू फूड पे, और आज इनका बूफे स्टार्ट है अल्हम्दुलिल्लाह। सारा दिन जो है ये इसके साथ इब्रार के साथ गुजारा है, अभी तकरीबन तैयारी हो गई है, काम शाम शुरू हो गए हैं, देखते हैं क्या मामला बनते हैं, कितने लोग आते हैं बूफे में, कैसे चलती है आज की रूटीन। अब ठीक है, अभी हो जो काम कर रहा हमने कर दिया, जो काम कर रहा आपकी मर्जी, आपकी मर्जी नहीं चलता। जनाब बुफट शुरू हो गया मुल्तान का बुफट, हसीब भाई को बहुत बहुत मुबारक हो। हमारे हसीब भाई माशाल्लाह जिस फील्ड में गए हैं अल्लाह ताला ने हमेशा इनको कामयाबी दी है, और हमेशा की तरह एच एन फूड भी हमारी मुल्तान की भी शान है। हसीब भाई बहुत मुबारक हो आपको। जी बिल्कुल बेटा, ये लेके आओ जी भाई, रिव्यू आपके माशाल्लाह आपने नया रेवोल्यूशन लेके आ रहे हैं। अभी इसने बच्चे ने स्टार्ट कर दिया काम, लेकिन अभी आपको मैं पहले बता रहा हूँ कल का दिन आपका बहुत मुश्किल गुजरेगा। आप थोड़ा सा जो है अपनी चीज़ों को सेटल डाउन करो, चीज़ें ठीक हैं। हमने बड़ी तकलीफ काटी है इस चीज़ के अंदर, हमने 10-12 दिन जो है बड़ी बेइज्जती बर्दाश्त की है। आपको बेटा पहले प्रिपरेशन करनी पड़ेगी, फिर जाके आपका काम चलेगा इंशाल्लाह। टाइम से पहले ये चीज़ें जो है ना, वो चीज़ें प्रिपरेशन आपकी होनी चाहिए। कुछ बंदे इधर बुला लो, उनसे रिक्वेस्ट करो, उन्हें कॉल करो, उनसे बंदे बुलवा के फिलिंग के लिए तुम, ताकि तुम्हारा असल निज़ाम ना डिस्टर्ब हो और यहाँ पर तुम्हारा चलता जाए। सर बिल्कुल सही फरमा रहे हैं सर ने जो कहा ना, ग्रीनलैंड वालों को हम उनको भी नहीं बुलाएंगे, और इंशाल्लाह हम खुद कल करके दिखाएंगे। चपली कबाब होंदा, कीमा होंदा, बड़ा माल होंदा गुफा। वाह भाई वाह, फिर रोटी यार मैं बुजुर्गों भी बहन गई यार, ठंडी हवा ले ली है, कोई है फुटपाथ चढ़ा है ना गड्डी चढ़ा के इतने आ मेरे तो चढ़ के किसी ने मरना है। ट्रक लगा सी, मेरे ट्रक चिब्बा हो गया सी यार, हाँ रोड क्रॉस करन दिया सी, ब्रेक नहीं लाई, कढ़ के मारिया मुक्का, मैं अगों स्क्रीन दे विच बाहर कढ़ दिता, सीधा ठोडे च लगा हो ड्राइवर दे, असी स्क्रीना तोड़ दें, तू कहना इतने गड्डी वाले ने मरना है गाड़ी मर के, उन्हें टक्कर मार देनी गड्डी नूं मैं, हाजी इन्हों नहीं पता यार, मैं रोड क्रॉस करन लगा ट्रक लगा बिच, ट्रक मारन लगा मैं जी मारिया पछाण, ए की कर रहे है शीशे दे विचों, ओए की कर रहे है पगला हो गया जी, तू की करन दे है, कोई करन दी होवे तो मैं तैनू दसां कोई ना करा, नहीं मेरा भाई छड्डी कर, वो छड्डी कर जेड़ा कुछ बंदे, तू तो इन्ना बर्गर बच्चा तो सुना ही जा रहे हैं, बेच कुछ बंदे मुआवजे भी खड़े ने यार, नहीं तो मैं तेन इंज लगता यार, तेन नहीं पता है तू लाहौरिया बच्चा, तेन भी पता मुल्तान का
ਮੁਲਤਾਨ ਦੇ ਬੱਬਰੀ ਸ਼ੇਰ ਹੈ ਸੀ ਦੱਸ ਜੋ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਣਨ ਲਈ ਸੀ ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਸੀ 10 ਮਜ਼ਦੂਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸੀ ਦੀਵਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਡਿੱਗਦੀ ਅੱਛਾ ਇੰਜ ਲੱਤ ਮਾਰੀ ਦੀਵਾਰ ਚਾਰ ਅੱਖਰ ਬਾਜੀਆਂ ਖਾਂਦੀ ਗਈ ਥੱਲੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀਵਾਰ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਫਿਰ ਧੱਕਾ ਮਾਰਿਆ ਦੀਵਾਰ ਬਹਿ ਗਏ आप डॉक्टर बन रहे हैं ना हाँ मैं वही देख लो पहचान लिया सर क्या हाल है आपका ठीक है एक बार ट्रक पे आ रहा था मिले थे मुझे बहुत बड़े फैन ने यार बहुत फोटो है ना बनाना गड्डी सर गड्डी लोग बाद में करते हैं व्लॉग पहले देखते हैं पहले व्लॉग देखते हैं मैं कॉलेज से आता हूं पहले व्लॉग देखता हूं फिर मैं अपने काम करता हूं जी आ जाओ तो सामने में मिला मोटरसाइकिल ला लो उसके साइड पे सच्ची की मजा आ रही है बड़े फैन है सब डॉक्टर बन रहे हैं ठीक है बड़ी सफा सब्जी मैसेज दिया मेडिकल कॉलेज सेटअप से पहले मैं आपको व्लॉग देखता हूं फिर मैं जो बाइक एक्चुअली बची है वो जो पानी उसके अंदर बहुत ज्यादा आ गया था बस बची हुई है चल रही है अभी मैं सर जी आंदा थे ट्रक से बड़ी दफा मैंने मिले बड़ा मैसेज था सही भाई को सलाम देना थी आज अचानक ही आ गए और सही जा रही है स्पीड देख ही आप ठीक ठाक आज बस अब डे क्लोज कर रहे हैं और बुके के अंदर जो है भाग दौड़ की है सेटिंग की है तो कमी पेशी बहुत ज़्यादा है अभी फर्स्ट डे में इधर इधर मुल्तान में तो उसको सेटल डाउन करूँगा उसको मैंने समझाया भी है कि यहाँ पे जो है अगले दिन जो है बहुत ज़्यादा क्योंकि बड़ा मुश्किल काम है लाइव बुकिंग जो है बहुत मुश्किल काम है तो अगले दिनों के अंदर इंशाल्लाह इसको इम्प्रूव करेंगे बेहतर करेंगे चलाएँगे साथ साथ कोशिश करता रहूँगा जब तक इसको अच्छे से सेटल नहीं कर लेता मैंने अभी लाहौर नहीं जाना मुल्तान को सेटल करना है इम्प्रूव करते हैं कल इंशाल्लाह नई वीडियो के बाद आ जाएंगे